इसराइल हमास युद्ध का खामियाजा मिडिल ईस्ट में अमेरिका भुगत रहा है। जब से ये जंग शुरू हुई है तब से सीरिया इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे प्रतिरोधी समूह के निशाने पर आ गए हैं। पिछले 3 महीनों में अमेरिकी सेना पर मिडिल ईस्ट में 175 से ज्यादा बार मिसाइल और ड्रोन हमले हुए और इनमें से ज्यादातर अटैक सीरिया और इराक में हुए हैं। और जनवरी 2024 में जॉर्डन के बॉर्डर के पास अमेरिकी बेस टावर 22 पर एक आत्मघाती ड्रोन हमला हुआ था जिसमें 3 अमेरिकी जवान मारे गए थे। लेकिन अमेरिकी सेना पर हमलों का ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं, बल्कि एक बार फिर से पूर्वी सीरिया के डियर एजर प्रांत के कॉनको गैस फील्ड पर बने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर एक बड़ा हमला हुआ है। ये जानकारी सीरिया के फील्ड सूत्र ने रूसी एजेंसी स्पूतनिक को दी है। सूत्र के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर 5 मिसाइलें गिरी हैं। इस सूत्र ने न्यूज एजेंसी स्पूतनिक को बताया कि 3 मिसाइलें कॉनको सैन्य अड्डे की जमीन पर आकर गिरी है और 2 मिसाइलें बेस के करीब गिरी हैं। और हमले के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने आसमान में तुरंत उड़ान भरी। और इस हमले से पहले 25 और 26 जुलाई 2024 की रात को इराक के अनबर प्रांत में बने एन असद बेस के करीब 4 रॉकेट गिरे थे। इनमें से 1 रॉकेट तो बेस के बिल्कुल करीब आकर गिरा था। और बड़ी बात यह है कि ये वही सैन्य अड्डा है जहां पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। वहीं सीरिया के डेर एजोर में बने कोनकोनो गैस फील्ड के पास कम से कम 1 रॉकेट गिरा था। और अमेरिकी सैन्य रक्षा विभाग ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा था कि इन हमलों में कोई हताहत या कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि सीरिया और इराक में बने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बराबर हमले हो रहे हैं। और फरवरी 2024 में सीरिया के अलेप्पो एयरपोर्ट पर कोनकोनो गैस फील्ड पर एक ड्रोन अटैक हुआ था। ये डेर एजोर प्रांत का वही इलाका है जहां पर इस हफ्ते में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर 2 बार हमला हो चुका है। इस हमले को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया था कि इस ड्रोन ने अपने लक्ष्य को हासिल किया जिसमें अमेरिकी बेस के आसपास जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई थी। आपको यहां से बता दें कि ईरान समर्थित इराकी और सीरियाई गुट अमेरिका को इन देशों से निकलने के अल्टीमेटम दे चुके हैं, जिसे लेकर अमेरिकी अधिकारियों और इराक के बीच इसी हफ्ते एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें इराकी सूत्रों और अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस सप्ताह वाशिंगटन में एक सुरक्षा शिखर सम्मेलन में अमेरिकी अधिकारियों के साथ इराकी स्थिति पर चर्चा की जा रही है और गठबंधन के समाप्त करने या किसी संबंधित सीमा पर अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। और इस मीटिंग के बाद से ही इराक और सीरिया में फिर से अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले शुरू हो गए हैं।